मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक ऐसा कुंड है जो ऐतिहासिक, चमत्कारी और अद्भुत औषधीय गुणों से भरपूर है। इस कुंड के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल में अर्जुन ने अपने बाण से किया था। ये कुंड बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। आदिवासी अंचल के आसपास के क्षेत्रों में कुंड अपने चमत्कारी गुणों के चलते काफी प्रसिद्ध है। इस कुंड से लोगों की बड़ी गहरी आस्था जुड़ी है। बाणगंगा कुंड क्षेत्र में आते ही आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, एक अलग ही अनुभूति होगी। मकर संक्रांति के दिन इस कुंड में हजारों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने जुटते हैं, तो वहीं यहां पर साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। कहते हैं जो इस कुंड के जल में स्नान कर लेता है उसे चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दूर दराज के गांवों से आने वाले लोग इस कुंड का पानी अपने साथ घर ले जाते हैं। इस कुंड के जल को चमत्कारी माना गया है। लोगों का मानना है कि बाणगंगा कुंड के जल को यदि मवेशियों को पिलाया जाए तो उन्हें खुरपाक बीमारी नहीं होती, और यदि मवेशी इस रोग से पीड़ित हों तो इसका जल पीते ही ठीक हो जाते हैं। ये कुंड अपने क्षेत्र में अलौकिक, ऐतिहासिक और चमत्कारी महत्व के चलते काफी प्रसिद्ध है। इस कुंड परिसर में कई मंदिर बने हैं जहाँ स्नान के बाद लोग देवी देवताओं की पूजा करने पहुँचते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।